लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए डायरेक्टर जनरल ISI तैनात। 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम। इस वक्त DHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, कौमी असम्बली में खसूसी नशस्तों की हकदार। इंतखाबात में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामंजूरी पर पुराने उहदेदारान बहाल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला इनसे मुतसादिम है। आवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का 4th सतून। फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का मतन। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस अमीन जस्टिस नईम ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। तफसीली फैसले के नुकात। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी, बेनतीजा खत्म हो गया। बानी PTI की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा दरखास्त। जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ के मुखालिफ, वो किसी केस का हिस्सा ना बने, दरखास्त में मौकफ। महकमा इत्तला सिंध में अरबों रुपए की करप्शन। एहतसाब अदालत ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीकर के खिलाफ रेफरेंस निपटा दिया। रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए वापस भेजा जाता है। कांदियावाना में मेहनतकश खातून से 10 मुलजिमान का गैंग रेप। वाकये का मुकदमा मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। पुलिस 24 घंटे में एक भी मुलजिम गिरफ्तार ना कर सकी। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने खातून की नाजिबा वीडियोस भी बनाई। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर के खिलाफ ज्यादती केस पर समाअत। ज्यादती की शिकार खातून का तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। मुलजिमान के DNA तब्दील कराए जाने के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में दायर। जोड़ामाला में जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान, दौरान इलाज जाँ बहक। दस्तगीर 3 दिन कबल एलीट फोर्स के एहलकारों की गोलियों से जख्मी हुआ था। CPO फैसलाबाद के नोटिस के बाद 3 एहलकार मुअत्तल। बुरसा काला पुलिस हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा। सरगोधा में परिंदों का गैर कानूनी शिकार जारी। तहसील साहिवाल में शिकारियों में 1 करोड़ रुपए मालियत का नया बास पकड़ लिया। शिकारियों ने कीमती बास सोना खान नामी शख्स को फरोख्त कर दिया। वाकये का मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। कनकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू की शनाख्त अरशद के नाम से कर दी गई। मरने वाला डाकू खादिम भाइयों और तैगानी गैंग का अहम सहूलतकार था। चिश्तिया में डकैतों का राज लग गया। भट्टा कॉलोनी के एक ही घर में 2 बार वारदात। एक दिन मुलजिमान घर के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़े, दूसरे दिन बाहर बैठे बुजुर्ग से नकदी छीन ली गई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में। कबीरवाला में एक साथ 4 बच्चों का जन्म, 3 लड़कों और 1 बेटी की पैदाइश पर वालिदैन खुशी से निहाल।
और शेखोपुरा में हजरत बारिस्टा का 226वां उसर शुरू। डेप्टी कमिश्नर और डीपीओ शेखोपुरा ने मजार को अर्के गुलाब से गुसल दिया। पंजाब भर से अकीदत मंदों की आमद का सिलसिला जारी।